हेलो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब भले में होंगे। मैं सुकांत सरंगी और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रैवल विद सुकांत सरंगी। कोस्टल उड़ीसा टूर चल रहा है और मैं आ गया हूँ सारला मंदिर, झंकड़ सारला मंदिर, बहुत ही फेमस शक्तिपीठ है। चलिए आइए दर्शन कर लेते हैं माँ के। तो ये हम लोग देख रहे हैं महाकवि सारला दास, उड़ीसा के बहुत ही प्रख्यात लेखक थे। उन्होंने सारला महाभारत का भी रचना किया है, तो उन्हीं का ये स्मृति चिन्ह है। मंदिर के चारों तरफ का नजारा एक देख लीजिए। अभी चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं। ये जस्ट मंदिर के गेट के सामने में ही हनुमान जी का एक बहुत सुंदर मंदिर है, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर हनुमान जी का मूर्ति है। चलिए अभी मंदिर की तरफ चलते हैं और ये है माँ सारला मंदिर का मेन गेट। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। इस मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। कहा जाता है भगवान परशुराम जो है वो अपने तीर से माँ का रचना किए थे, इनको शारदा भी बोला जाता है। ये जो प्रेजेंट मंदिर है ये 18वीं शताब्दी का मंदिर है, लेकिन एक्चुअल मंदिर पांचवी शताब्दी का पुराना है। भोमकर वंश राजाओं के द्वारा ये बनाया गया था, लेकिन ये 1600 शताब्दी में काला पहाड़ बोल के एक मुस्लिम रूलर था उसके हाथों डिस्ट्रॉय कर दिया गया था आधा, फिर औरंगजेब के हाथों ये पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उसके बाद मराठाओं ने इसको 1800 शताब्दी में बनवाया था। अभी चलिए मंदिर का एक प्रदक्षिणा कर लेते हैं। इनको बाघ देवी भी बोला जाता है, बाघ देवी मतलब माँ सरस्वती को रिप्रेजेंट करते हैं जो, और मातंगी माँ का भी बोला जाता है। तो सरस्वती और मातंगी माँ का मिलन से भी इनको माँ सारला बोला जाता है। यहाँ मंदिर पे पना संक्रांति, अक्षय तृतीया, दुर्गा पूजा ये सबसे बड़ा त्योहार है। मैं मंदिर के अंदर अभी कैमरा ले नहीं रहा हूं, बहुत भीड़ है उसके अंदर। ये आप देख सकते हैं माँ सारला जी की मूर्ति। अभी आसपास के जो मंदिर हैं उसके दर्शन कर लेते हैं। देखिए अर्धनारीश्वर का एक सुंदर सा मूर्ति, यहाँ पर पतित पावन मूर्ति है ये। भगवान जगन्नाथ पतित पावन के रूप में पूजा पाते हैं तो उन्हीं का मूर्ति है। बस उसी के बगल में शिव मंदिर है, आप देख सकते हैं शिवलिंग को। अब चारों तरफ का मंदिर के अंदर से एक नजारा देख लीजिए। ये है मेन मंदिर का प्रवेश द्वार, मैं इस तरफ से आया था लेफ्ट साइड से, आगे में मैं प्रदक्षिणा करके इस साइड में फिर आया हूं। ये देखिए माँ का पालकी, यहाँ पर माँ विराजमान होते हैं। माँ का यहाँ पर चलंती प्रतिमा बोला जाता है, मतलब एक मूर्ति जिनको लेके चारों तरफ घुमा जाता है इस मंदिर से उस मंदिर जो भी त्योहार के टाइम में। और देखिए ये है कल्प वृक्ष, पट वृक्ष भी बोल सकते हैं, यहाँ पर अगर आपको कुछ मानसिक रखना है तो यहाँ आके बांध सकते हैं। अभी चलिए प्रसादी दुकान की तरफ चलते हैं। वो मंदिर के कंपाउंड के अंदर ही है, देख सकते हैं नारियल बिक रहा है, चूड़ी बिक रही है और अलग अलग पूजा सामग्री भी बिक रहा है, फोटो फ्रेम माँ का बिक रहा है और अलग अलग देवी देवताओं का भी बिक रहा है।
तो आप यहां से अपने लिए एक मोमेंटो भी ले सकते हैं। माँ के पास ज्यादातर लाल चूड़ियां ही लोग पूजा करके अपने लिए लेते हैं। अभी माँ के सूखा प्रसादी की तरफ चलते हैं। यह है देखिए माँ का भोग भंडार, यहां से आप प्रसादी खरीद सकते हैं और फिर जो ब्राह्मण है उनके हाथों पूजा करवा सकते हैं। माँ का ज्यादातर प्रसादी सूखा प्रसादी ही होता है। आप देख सकते हैं अलग अलग प्रसादी, इसका प्राइस भी अलग अलग है। चलिए अभी बाहर की तरफ चलते हैं। ये देखिए मंदिर के बाहर आ गए हैं और एक बहुत सुंदर सा तालाब है मंदिर को जस्ट कनेक्टेड होके एकदम सटा हुआ। यहाँ पर माँ शारदा जी का चंदन चापो यात्रा होता है। रुकिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ। माँ का जो चलंती प्रतिमा है वो आता है यहाँ पर, देखिए वो एक नाव है, वहां पर नाव में विराजमान माँ होते हैं और इस तालाब के अंदर वो घूमते हैं और बीच में जो मंदिर है वहां पर जाते हैं, फिर वहां से वापस आके मंदिर पे विराजमान होते हैं। उसी तरफ जो यहाँ पर मैं अभी तालाब दिखा उसी के बाजू में भी बाहर में भी बहुत सारे अलग अलग दुकानें हैं, गिफ्ट आइटम्स की दुकानें हैं, यहाँ चूड़ी का भी दुकान है, बर्तन का भी दुकान है, अलग अलग गिफ्ट आइटम्स का भी दुकान है। देख सकते हैं बहुत सारे फोटो, भगवान जी के फोटो फ्रेम है। अभी इसी तरफ से भी मंदिर के लिए एंट्री के लिए और एक रास्ता है, चलिए उधर भी हम लोग चलते हैं। ये देखिए ये और एक मंदिर का रास्ता है, इस तरफ से भी आप मंदिर में जा सकते हैं। अभी आपको अंदाजा हो गया होगा मैं किस तरफ निकल रहा हूं। मैं अभी सामने की तरफ से आया था, अभी ये लेफ्ट साइड से मंदिर का आ रहा हूं। अभी देखिए माँ का जो चलंती प्रतिमा है वो निकाले जा रहे हैं मंदिर से। आज अक्षय तृतीया है तो अभी चंदन चापो यात्रा होगा, तो इसी के लिए माँ का निकाला जा रहा है। अभी माँ ऐसे ही जाएंगे, देखिए देखिए माँ का चलंती प्रतिमा, वो अभी वो पालकी में सवार होके अभी जा रहे हैं। तो झंकड़ शारला मंदिर घूमना हो गया, माँ का दर्शन भी अच्छी तरह से हो गया। बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, आपको जरूर यहाँ आना चाहिए। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।